ये खराब सेल्फ मोटर है, ये कबाड़ा में आपको मिल जाएगा 50 से 60 रुपए में। इसको मैंने लाया कबाड़ से और कुछ इस प्रकार से अभी देखने में लग रहा है। इसको खोलेंगे फिर क्या क्या करेंगे सब प्रोसेस देखने जाना। यहाँ से इसको खोलना है, 2 स्क्रू लगा रहा था, इसको यहाँ से खींचेगा तो ये निकल जाएगा। इसका यहाँ से अंदर में आर्मेचर कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है जी। आगे वाला हिस्सा को कट करना है, ये छोटा वाला हिस्सा इसको कट कर लेना है। ये 12 वोल्ट DC कैलेंडर से हमने इसको कट किया है, आपके माध्यम जो है कट करने का कट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रोडक्ट इस प्रकार से निकला है, ठीक है जी। और ये इसमें आपको इस 12 वोल्ट मोटर में झोल कर कुछ पैसा चार्ज करेंगे, इस प्रकार से आपको फिट कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे उसमें ग्रीस डाल देना है ताकि अंदर में कुछ साउंड वगैरह ना करे, और अंदर में ग्रीस वगैरह अच्छा तरीका से दबा के रख दी। फिर आपको ये मोटर लेना है, अच्छा तरीका से बैरिंग लगा के और फिट कर देना है। और यहाँ पर भी इसको जांच करेंगे, और यहाँ पे 12 वोल्ट DC कंट्रोलर है, इसको कूल करने के लिए यहाँ पर हमने फैन लगाया है। और ये मोटर है, और यहाँ पर 5 किलो का वजन है, और इसको हमने वायर के माध्यम इस प्रकार से बांध दिया। और देखिए चलाने पर कुछ इस प्रकार से भी चलता है। इसको अब टेस्ट करते हैं कि भाई इसका जो टेस्ट है कैसा टेस्ट है। तो ये हमारे पास 5 kg का वेट है, और ये हमने एक रस्सी बांध दिया है, और यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम रखा गया है टेबल के ऊपर, और यहाँ पर DC कंट्रोल माध्यम से ये देखिए धीरे धीरे उड़ जाता है, और नीचे की तरफ वहाँ पर जो रस्सी ना फंस जाता है, पर अभी तो पावर इसके साथ 5 किलो टान लेता है। पर इसका जो आगे टेस्ट करेंगे साइकिल वगैरह चलाएगा या क्या होगा, साइकिल चलेगा इससे कि नहीं चलेगा, पर ये 5 से 10 किलो वेट उठा लेता है आराम से। इसको DC कंट्रोल के लाइन देंगे तो ये खींच लेता है। अगला वीडियो हम साइकिल में इसको सेट करेंगे, क्या ये साइकिल चलेगा या नहीं चल पाएगा ये सिस्टम के माध्यम से। यहाँ पे तो ऐसे उठाने की कोशिश करते तो ये बहुत इजीली तरीका से उठा लेता है, पर साइकिल को उठाने का या नहीं उठाने का चलिए अगला वीडियो में जरूर देखिएगा कि साइकिल का क्या इसका रिस्पॉन्स हो रहा है, साइकिल का वास्तव में क्या करेगा।